फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, बीपीएससी 67 का एग्जाम हुआ और पेपर लीक होने के कारण वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कुछ एक आध महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, तीन महीना, जितना भी टाइम हो, आपका जो एग्जाम है लिया जाएगा। बट ठीक है, इस बार तो आपको न्याय मिल गया। आगे जाकर एग्जाम कैसे होगा वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि बात की जाए 66वीं बीपीएससी की, तो क्या वो भी ईमानदारी पूर्वक हुआ था? उसमें भी कोई एक पेपर जो था वो कैंसिल हुआ था और उसका एग्जाम फिर कुछ दिनों बाद फरवरी 2021 में लिया गया। ठीक है, अब वो एग्जाम तो ले लिया गया, उस वक्त भी क्वेश्चन जो है ना वो वायरल हुआ था। ठीक है, और सिर्फ आयोग ने बचकाना तरीके से ये कहकर सिर्फ जिस सेंटर से क्वेश्चन लीक हुआ था वहीं पे एग्जाम द्वारा करवा लिया। और देखिए, पिछले बार जो है 66वीं बीपीएससी में क्या होता है, कटअप जो है सारे कैटेगरी का 10 नंबर बढ़ जाता है और वो 10 नंबर छलांग एक साल में लगाना, इतने जल्दी बच्चे सारे तेज नहीं हो जाते हैं। उस बार भी वही हुआ था कि क्वेश्चन वायरल सभी जगह हुआ था, बट उस बार किसी ने आवाज नहीं उठाया था, मीडिया वाले भी इसे इग्नोर किए थे। जिस प्रकार से इस बार उठाया गया, इस बार भी उठाया गया, तो कोई आम स्टूडेंट ही पहले उसे वायरल किया, उसके बाद सारे मीडिया वाले इसके संज्ञान लेते हुए क्या किए, वायरल किए, तो सरकार एक्शन में आई और ये आपका पेपर रद्द हुआ। लेकिन पिछले बार भी हमारे साथ जो भी ईमानदार छात्र हैं उनके साथ बेईमानी हुआ है, धांधली हुआ ही है। तो कटअप का जो चढ़ाव हुआ, एक क्या है, मैक्सिमम कटअप 108 गया और वो 108 गया जो 98 रहता था, तो सारे कैटेगरी का जनरल की बात किया जाए तो 98-99 के आसपास, 97 के आसपास फिक्स रहता था, एक दो नंबर आगे पीछे होते रहता था। और पिछले बार क्या हुआ ना, ये जनरल वाले का 108 गया, बाकी कैटेगरी में भी 10-10 नंबर का उछाल देखने को मिला। तो किसी भी एग्जाम का एक पैटर्न वो आप खुद भी देख सकते हैं, पीछे जाकर जो भी एग्जाम हो रहा था उसका क्या कटअप में चढ़ाव हो रहा था, एक आध दो नंबर आगे बढ़ रहा था, हर साल लगभग बढ़ रहा था या फिर स्टेबल था, लेकिन पिछले बार जो होता है वो हुआ। और इस बार तो ठीक है, पेपर कैंसिल हो गया, आगे आयोग किस प्रकार से एग्जाम को कंडक्ट करेगी ये नहीं कहा जा सकता है। बट पिछले बार जो हुआ हमारे साथ अन्याय, अभी उसका पूरा एग्जाम तो शायद नहीं हुआ है, फिर उसको मैंने देखने नहीं गया कि वो किस प्रकार से हुआ, लेकिन पिछले बार भी धांधली हुआ था दोस्तों। तो आप उस एग्जाम को भी कैंसिल करवा सकते हैं यदि चाहते हैं तो। प्रोसेस बहुत हुआ, लेकिन यदि आवाज उठाया जाए तो धांधली के आधार पे यदि आप रद्द करवाना चाहते हैं तो उस एग्जाम को भी करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हुआ है धांधली। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जब भी इस प्रकार का कुछ हो दोस्तों, यूज योर सोशल साइट्स फॉर इट, है ना। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और क्लास भी आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज की